आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। मोदी सरकार ने जमीन प्राप्ति बिल नू लोकसभा विच पेश किया। विरोधी धिर ने इस बिल नू लेके सदन विच चर्चा की मांग की है। उधर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार संसद की अनदेखी नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि बिल विच किसानों नू चार गुणा मुआवजे का विकल्प रखा गया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी बिल लई दोवां सदनां तो मंजूरी मिलना जरूरी है। 80% बिल कांग्रेस की सरकार वेले आए सन। उधर चर्चा दौरान कांग्रेस दे आनंद शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस इस बिल दे खिलाफ है। उधर सदन में हो रहे शोर शराबे कारण लोकसभा स्पीकर परेशान हो गए। उन्होंने सारे धिरों नूं चेतावनी भरे लहजे विच कहा कि जनता हुण जागरूक हो चुकी है, सब कुछ वेख रही है। नाल ही उन्होंने कहा कि परमात्मा की लाठी किसी ते भी चल सकती है। आई एम सॉरी, नहीं नहीं सुनूंगी। आई एम सॉरी, मैं इसलिए कुछ नहीं सुनूंगी, बार बार मैं देख रही हूँ जो भी हुआ है। हर जीरो आवर में उठी हुई बात का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। उन्होंने कुछ दिया है, बाद में और बातें आप अपनी चर्चा में उठा सकते हो। मेरा आज सभी से निवेदन है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब दूर। अब जनता वैसी नहीं रही, आप सबको सब कुछ देख रही है। और जैसा हम बोलते हैं ना, भगवान की लाठी बिना देखे सब पर चलती है, वही प्रजातंत्र में जनता भी कर रही है। तो यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी हम सभी थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा काम करें, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। आई एम सॉरी। उधर अमृतसर तो लोकसभा मैंबर कैप्टन अमरिंदर सिंह और संगरूर तो लोकसभा मैंबर भगवंत मान ने इस बिल की करड़े रूप विच निंदा की। किसान तो पहले ही खुदकुशियां कर रहे थे, फसलों के भाव नहीं मिल रहे, ऊपर से यूरिया की प्रॉब्लम और हर रोज तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो ऊपर से ये अध्यादेश के आपको बताए बिना ही हम आपकी जमीन छीन सकते हैं, ये तो शर्मनाक है। और मैनिफेस्टो में लिखा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, उससे भी यू टर्न ले लिया। तो किसानों को जीने की कोई राह तो छोड़ दो। तो हम ये विरोध, सख्त विरोध होगा जी। अन्ना जी जो जंतर मंतर पे कह रहे हैं वही बातें हम अंदर कहेंगे कि इतना तो अंग्रेजों ने भी जुल्म नहीं किए होंगे जितना बीजेपी का। हाँ जी, 3 बजे उनको हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मिलने जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर हम भी जोर शोर से आवाज उठेगी और ये बिल इनको वापस लेना ही होगा। हाँ, वो तो अभी हमने लेट अस सी हाउ इट गोज, बिकॉज हम तो उसके हक में नहीं है। वी आर टोटली, दिस इज द मर्डर ऑफ द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री एंड देयरफॉर दे हैव टू हैव अ रीथिंक ऑन दिस। जमीन प्राप्ति बिल नूं लेके नवी दिल्ली विच समाज सेवी अन्ना हजारे दा आंदोलन जारी है। वह बिल नूं वापस लैण दी मंग नूं लेके अड़े हुए हन। उन्हां इस बिल नूं देश अते किसानां दे हितां दे खिलाफ दस्सिया। अंग्रेज चला गया, लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र आज भी नहीं आया। वही भ्रष्टाचार, वही गुंडागर्दी, वही लूट हुआ क्या? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क कितना हो गया? तो ये अभी हमारी आजादी की दूसरी लड़ाई है। आज इस सरकार ने जो अन्याय किया है, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश निकालकर, अरे अंग्रेजों से भी आप ध्यान, ये अध्यादेश निकला है अंग्रेजों ने भी। अंग्रेजों ने तो 150 साल राज किया, लेकिन आज हमें अनुभव हो रहा है कि अंग्रेजों ने इस देश को नहीं लूटा, उसमें हमारे लोग लूट रहे हैं।
ताल्लुक है। तो इसलिए हम सब लोगों ने यह तैयारी करना, मैं ये कह रहा कि अंग्रेजों से ज्यादा इनकी हुकूमत जो हमारे ऊपर चढ़ाई है उसमें क्या है अध्यादेश में, अरे अंग्रेजों के टाइम पर किसी किसान पर जमीन के बारे में अन्याय होता है तो वो अगर न्याय व्यवस्था सुरक्षित व्यवस्था इस देश की, वो अगर न्यायालय में जाना चाहता है तो जा सकता था। अभी इन लोगों ने क्या किया, ये सरकार ने, मोदी सरकार ने, ये अध्यादेश में है अगर किसी किसान को न्यायालय में जाना है न्याय मांगने के लिए तो सरकार का परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे अध्यादेश में लिखा है। वो अंग्रेजों से बयान होगा। इस तो पहला दिल्ली के नवे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अन्ना हजारे नाल मुलाकात की। इस मुलाकात दौरान आम आदमी पार्टी के इन्हां आगुआं ते गांधीवादी नेता अन्ना हजारे ने एक दूजे नाल कई मुद्दों ते विचार चर्चा की। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे की भूमि ग्रहण ऑर्डिनेंस मामले च आवाज़ उठाउण दा भरोसा दिता है। इस दौरान अन्ना हजारे ने केजरीवाल नूं मुख्यमंत्री बनन की वधाई भी दी। अन्ना जी से काफ़ी लंबे समय बाद मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए तो वो हमेशा एक गुरु के समान, पिता के समान हैं, और करीब एक घंटे तक उन्होंने एक तरह से आशीर्वाद दिया, अच्छा लगा। उनको भी अच्छा लगा है दिल्ली के जो चुनाव के नतीजे हैं और भूमि अधिग्रहण बिल किसानों के लिए किस तरह से खतरनाक है, पूरे देश में किसानों के लिए इससे क्या क्या नुकसान होंगे, और अन्ना जी ने अपने पूरे आगे के कार्यक्रम बताए कि उनकी क्या क्या योजनाएं हैं इस पूरे आंदोलन को लेके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के उग्गे नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय सेवा सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के मदर टेरेसा नूं लेके दिते गए बयान से प्रतिक्रिया दिंदे होया कहा है कि वह एक महान इंसान सन और उन्हां बारे अजिहा कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा है कि उन्होंने कोलकाता स्थित निर्मल हिरदय आश्रम च मदर टेरेसा नाल काम किया है, वह महान इंसान सन, उन्होंने बख्श देवो। गौरतलब है कि भागवत ने सोमवार को राजस्थान के भरतपुर च एक सरकारी संगठन के समागम दौरान कहा कि मदर टेरेसा के गरीबों लिए किए जाने वाले काम का टीचा धर्म परिवर्तन करना सी। हालांकि RSS का कहना है कि मीडिया उन्होंने बयान को गलत तरीके नाल बयान कर रही है। भागवत के इस बयान की करड़ी आलोचना हो रही है। फगवाड़ा रेलवे पुलिस वालों चोरी के केस विच काबू किए नौजवान की लाश गुराया लाइना कोलों मिलन ते पड़के लोगों ने स्टेशन उत्ते भन तोड़ की। इस दौरान लोगों ने करीब 3 घंटे जाम लाया रखा। उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुलजम हिरासत विचों फरार हो गया सी। लोगों के रोष मगरों चौकी इंचार्ज पवित्र सिंह खिलाफ धारा 306 तहत केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी अनुसार 20 फरवरी को जम्मू का एक IPS अधिकारी सरगुणा शुक्ला नवयुग एक्सप्रेस गड्डी राहें पटियाला आ रहा सी। इस दौरान गड्डी च उसका बैग चोरी हो गया। पुलिस ने जांच मगरों रेलवे कर्मी इंद्रजीत काला के पुत्र लक्की नू उसके घरों चुक लिया ते पुछगिछ मगरों चोरी का माल बरामद कर लिया सी। पुलिस अधिकारियों अनुसार लक्की पुलिस नू चकमा दे के फरार हो गया सी ते उसकी लाश भेद भरी हालत च गुराया नेड़े मिली है। इसकी सूचना मिलने से वाल्मीकि भाईचारे के लोग पुलिस चौकी पुजे, पर चौकी इंचार्ज पवित्र सिंह उत्थे हाजिर नहीं सी। जिस तो बाद गुस्से च आए लोगों ने रेलवे स्टेशन से बुरी तरह भन तोड़ की। नौजवान के पिता इंद्रजीत समेत कई आगुआ ने दोष लगाया कि पुलिस ने जानबूझ के पुछगिछ दौरान लड़के को मार के गुराया लिजा सुट दिता। ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਹੀ ਵਾਜ ਵਾਂਟਡ ਇਨ ਸਰਟਨ ਕੇਸ, ਉਹਨੂੰ GRP ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਜੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਏ। ਉਹ ਜੀ
ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕੜੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਟੈਰਾਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟੈਰਾਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਆਉ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਔਰ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਮਾਰ ਮਾਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 121 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਕੱਲ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 16,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 650 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਅਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 7,006 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 28,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 3,170 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬੂਥ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 15,679 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਚੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 23 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 4 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਧਨੌਲਾ, ਤਪਾ, ਭਦੌੜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਿੱਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਚੋਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
पंजाब च लोक सभा चोणां तों बाद पंजाब सरकार वल्लों चलाई गई नशा विरोधी मुहिम सवालां दे घेरे च घिरदी नजर आ रही है। जलंधर नेड़ले नकोदर दे एक पिंड दे रहण वाले दविंदर सिंह अते करमजीत सिंह ने दावा किया है कि उन्हां नूं सियासी रंजिश कारण ना केवल ड्रग दे झूठे केस च फसाया जा रहा है बल्कि पुलिस ने उन्हां ते 3 डिग्री दी वी वरतों की थी। 9 महीने जेल च रहने तो बाद जमानत ते बाहर आए इन्हां दोवां नौजवानों का कहना है कि कपूरथला की जेल च कई अजिहे होर नौजवान बंद ने जिन्हां नूं सियासी रंजिशां करके झूठे मामले च फसाया गया। ये नौजवानों ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री अजीत सिंह कोहार ने दोष लाए हैं कि वह बेकसूर नौजवानों के बदले की भावना नाल झूठे मामले दर्ज करवा रहे हैं। उधर पंजाब अते हरियाणा के सीनियर वकील अते पंजाब मनुखी अधिकारी कमिशन के प्रधान राजविंदर सिंह बैंस का कहना है कि उन्हां कोल अजिहे कई होर मामले भी आ चुके हैं, वह छेती ही अदालत का सहारा लैके इन्हां नौजवानों नूं इंसाफ दिवाउणगे। काफ़ी खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि समय की सरकार के होने के बावजूद ही ये जो नशीले पाउडर के परचे पै रहे नौजवानों के। नहीं, अजीत सिंह कुहाड़ का नाम भी लै रहे डायरैक्टली साढ़े तकरीबन साढ़ा हल्का जोड़ा वा उस मंत्री के ही अंडर पा इस करके उसका ना लिया जा रहा। पोलिटिकल पार्टी चेंज की इस करके कहना कहना चाहते हो भी थोड़े पोलिटिकल पार्टी तो तकरीबन समय के हिसाब से सारी जनता चेंज कर ही लेंदी आ, अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते कि मेरे तो उन्हें परचे कराए आ, ये आप नहीं कह सकते कि मेरे ते होया किसी पोलीटिकल प्रैशर करके परचे आ। तकरीबन मेरे ते होए आ पंजाब दे विच अनेक नौजवानों से ही नशीले पाउडर के परचे दर्ज किए जा रहे हैं। अच्छा, वो अतवादी की गल की तुसीं भी अतवादी बनना चाहते ने? दरअसल हर एक नौजवान का अपना अपना व्यू आ, अपनी अपनी सोच आ, अदरवाइज पुलिस जां समय की सरकार उन्होंने नाल नजायज़ करूगी इस तरह नशीले पाउडर के परचे दर्ज करूगी और नौजवान की सोचेंगे। जो भी इलेक्शन हुई हैं पंजाब गवर्नमेंट ने घट्टो घट 5,000 FIR दर्ज कर चुके हैं अंडर द नारकोटिक्स एक्ट। सब तो स्ट्रिक्ट एक्ट है, 10 साल की मिनिमम सजा है, 1,00,000 रुपये जुर्माना। और ये मुंडिया ने सू वैसे तो पता से क्योंकि जेडे भी जेल में जाते हैं वो अक्सर यही कहानी दसते हैं कि पाउडर पुलिस आप बनाती है, आप बना के थोड़े सामने थोड़े उत्ते पाती है। कोई सेफगार्ड मजिस्ट्रेट का जेडे आप कहने कि किसी होर को जाओ, बिल्कुल कोई यहोजा सेफगार्ड नहीं है। कोई भी कभी चौक पाउडर पा लेंदी है, कभी टैलका पाउडर पा लेंदी है, कुछ कैमिस्ट और एलप्रैक्स गोलियां ले लेंदी है, उन्होंने सामने पीस कर मिक्स करके सैंपल वह बना लेंदे उदा कर देंगे क्योंकि जो मजिस्ट्रेट को पेश करते कोई मजिस्ट्रेट कहता नहीं कि सैंपल इस तो लो। करनाल च कौमी मार्ग से हुए एक सड़क हादसे च 3 नौजवानों की मौत हो गई है। हादसा नैनोकार से सड़क कंढे खड़े कैंटर नाल टकराने कारण वापरिया। हादसे च नैनोकार सवार 3 नौजवानों की जान चली गई है। मृतकों चो 2 करनाल अते 1 हिसार दा रहने वाला सी। पुलिस ने तिना दिया लाशां पोस्टमार्टम लिए भेज दित्तियां हन। घटना तो बाद कैंटर चालक मौके तो फरार हो गया। पुलिस ने कैंटर कब्जे च लैके कार्रवाई शुरू कर दी है। तीन डेड बॉडीज जो हमारे हॉस्पिटल में आई हैं, ये एक्सीडेंट हुआ है नीलकंठ ढाबे के पास, उनके नाम है नितिन अमित और पट्टी। पोस्टमार्टम इनका कल ही हो पाएगा 9 बजे। ये मधुवंशी और करनाल के बीच में फोर्ड कंपनी की वो है शोरूम, उसके सामने एक्सीडेंट हुआ है, इसमें 3 कैजुअलिटी होगी। अभी एक्सीडेंट के कारण अभी जाँच कर रहे हैं। तो कहाँ के रहने वाले थे सर ये? अभी एक का पता चला है, नितिन है सेक्टर 8 का, 1,000 का अमित है, तीसरे की अभी शनाख्त नहीं हुई। डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम दी पंजाब च बैन कीती गई फिल्म MSG फिल्म ते लगी रोक नू तुरंत हटाउण दी मंग लै के बरनाला दे डेरा प्रेमियां ने ADC नाल मुलाकात कीती। इस मौके ADC नू मुख्यमंत्री पंजाब दे नाम मंग पत्र सौंपिया भी गया। डेरा प्रेमिया ने दसाया कि यह फिल्म 13 फरवरी को देशों विदेशों में रिलीज़ हुई थी, अजे तक कितने भी किसी किस्म की कोई घटना नहीं वापरी है। पंजाब च इस फिल्म के धार्मिक संकीर्णता के चलदियां सूबा सरकार वालों रोक लगाया होया सी, जो डेरे नाल बेइंसाफी है। पूरी फिल्म दे विच किसी भी धर्म के खिलाफ जां किसी जात मजहब के खिलाफ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਗੱਲ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਕਰਾਹ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਆਇਆ MSG ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਾਰੇ ਆਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੰਗਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੀਬ 30 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ISO ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਬਣੇ ਵਿੰਗਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੈਂਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ SM ਸਵਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਹ 56ਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।